प्रदेश में 42 लाख रीवा में 1 लाख से ज्यादा बच्चों को लगेगा कोरोना वायरस से बचाव का टीका। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। 12 से 14 साल के बच्चों को टीकाकरण करने की तमाम तैयारियां हुई पूरी। 23 मार्च को पूरे मध्य प्रदेश के साथ रीवा में भी बच्चों के टीकाकरण का महाअभियान प्रारंभ होगा। हमारी टीम ने CMHO रीवा डॉक्टर BL मिश्रा से टीकाकरण को लेकर बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत, मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ। 12 से 14 साल के बच्चों को भी टीकाकरण लगना है, कोरोना से बचाने का यही एकमात्र तरीका है। हालांकि बड़े बूढ़ों बुजुर्गों युवाओं को तो लग गया था, बच्चों को अभी तक ये टीका नहीं लगा था। कितने बच्चों को टीका लगेगा, रीवा में किस तरीके की तैयारी है, यही जानने समझने के लिए हम इस समय मौजूद हैं CMHO रीवा डॉक्टर BL मिश्रा जी के पास। डॉक्टर साहब, मेरा यह सीधा सा सवाल है, कितने बच्चों को आप टीका लगाने जा रहे हैं और क्या इस तरीके की तैयारियां हैं आपकी? राज्य स्तर से रीवा जिला को 1,05,000 बच्चों की जानकारी दी गई है। इतने हमारे 12 साल से 14 साल के बच्चे हैं, इनको कार्बेवैक्स नाम की एक जो नई वैक्सीन है, जो कोविशील्ड कोवैक्सीन से अलग है, यही टीका लगाया जाएगा। और जिनका जन्म 2008, 2009 और 23 मार्च के पहले जिनका जन्म हुआ है, ऐसे सभी बच्चों को स्कूलों में हम लोगों ने कार्य योजना बनाया है कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में, और सभी बच्चों को लगाया जाएगा। एक बड़ा सवाल यहाँ ये पैदा होता है, 12 से 14 साल के बच्चों को टीका लगना, जैसा भी आपने बताया, किस तरीके की उनको सावधानी बरतनी चाहिए, घर से क्या वो खाना खा के आएँ या बगैर खाए लगना है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जो इस समय देख रहे हैं उनको ये बताइए कि वो अपने पेरेंट्स किस तरीके से तैयारी करके बच्चों को लेके आएं। सभी अभिभावकों की जिम्मेदारी है, टीका एक महत्वपूर्ण है, जितने वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज हैं, जिन बीमारियों से संक्रामक रोगों को हम वैक्सीन से ठीक कर सकते हैं, और आगे आके हमको टीका लगवाना चाहिए। और देश के हमारे सभी नागरिकों ने सहयोग किया है, पोलियो एक सीधा सा उदाहरण है, हम लोगों ने पोलियो को दो बूंद पिलाकर अपने बच्चों को भारत से पोलियो को हटा दिया। इसी तरह से हम यदि संकल्पित रहे और कोरोना के टीकाकरण में सहयोग करते रहे तो निश्चित रूप से हम कोरोना का भय अपने देश से भगा देंगे। तो इसका यही अपील है कि सभी अभिभावक जिस तरह से पढ़ाई के लिए आते हैं विद्यालय में, उनकी समीक्षा होती है विद्यालय में, कौन बच्चे कैसा होमवर्क कर रहे हैं, तो इस टीकाकरण के दिवस भी माता पिता आएँ, अपने सामने बच्चों को टीका लगवाएं, घर से खाना खिला के नाश्ता करा के ले आएँ, और खाली पेट नहीं होना चाहिए। और ये बहुत सफल प्रोग्राम है, और करोड़ों करोड़ में किसी एक भी हितग्राही को या एक भी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं हुई है, ये सबसे बड़ा सबूत है। खाना खा के आएँ, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आएं, अपने सामने टीकाकरण कराएं। लगभग 1,00,000 बच्चों को हम टीकाकरण करने जा रहे हैं। विंध्य भारत भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि बच्चों को वैक्सीन सेंटर में ले जाएं और टीका लगवाएं, लेकिन खाली पेट नहीं, कुछ खिला पिला कर ही बच्चों को टीका लगवाइए और इस बीमारी से बचाइए।